Previous video, अगर आपने को 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 देखा है 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 तो कि ना ना और और जब तक तक हम हम इस इस खत्म करते हैं है ना? पूरी तरीके से तब को अब वीकली थ्री यहाँ पर निकालने वाले दैट विल बी टी टी एस बेसिस है ना आप इंस्टीट्यूट्स में कोचिंग में कभी भी बचपन में अभी भी पढ़ते रहे हो तो आप ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे के पैटर्न को बेशक जानते हो उसी पैटर्न के ऊपर हम एट थर्टी इन आपकी जर्नी यहाँ पर ये right. so, यह चलती रहेगी सुबह उठते ही आप अपना ब्रेकफास्ट कीजिए डेफिनेटली आप योगा वाले हो मेडिटेशन के किसी भी फॉर्मेट को फॉलो करने वाले हो या फिर एक्सरसाइज करने वाले हो जिमिंग वाले हो जिस भी जोन में आप आते हो उन चीजों को करने के बाद हैविंग योर डाइट हैविंग योर मील एंड है एक्सरसाइज जब आपका डेली रूटीन खत्म हो जाता है तो ईदर

तो कैसे ह्यूमंस के जो अलग अलग तरीके के वेरिएशन है ह्यूमंस के पॉपुलेशन के बीच में जो वेरिएशन है वो कैसे अपने आप को शेप अराउंड कर रहे होते हैं किस तरीके से अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं है ना हाइट का कोरिलेशन हमने देखा था इवन रेस और रेसिज्म के टॉपिक को भी उस यूनिट के अंदर में हमने पूरी तरीके से कवर किया था अलॉन्ग विद सर्टेन कंडीशंस लाइक लैक्टोज इंटॉलरेंस या फिर आप लेकटेस की डिफिशियंसी की जब बात करते हो नाउ इन दिस पर्टिकुलर यूनिट हम ह्यूमन वेरिएशन से हट करके एक नई चीज की बात करने वाले हैं अबाउट दी हिस्ट्री ऑफ आर पर्टिकुलर स्पीशीज एंड जीनस हमारी फाइलोजनी हमारी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इन सब के ऊपर बात होने वाली यानी कि हम प्राइमेटोलॉजी के ऊपर डेडिकेटेड इस यूनिट को यहाँ पर शुरू करने वाले हैं जिसका ये पहला चैप्टर होने वाला है एंड पहले चैप्टर का ये पहला पार्ट है चैप्टर फाइव पार्ट वन जो कि बेसिकली हमको प्राइमेट्स क्या होते हैं हमारा पास्ट और हमारा प्रेजेंट बताने वाला है तो इसको जानने से पहले आपका ये जानना जरूरी है कि प्राइमेट्स बेसिकली होता क्या है ना इस टर्म से अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हो तो डेफिनेटली यू मस्ट भी अवेयर अदरवाइज ऑल्सो अगर आप काफ़ी इंक्विजिटिव टाइप के इंसान हो तो ये शब्द आपने पहले भी सुना होगा बट टू दी एलिफेंट रूम बाकी कई सारे लोग जो शायद इस वर्ड से मुखातिब नहीं हो तो उनके लिए यहां पर मैं बताते चलू साथ में कि प्राइमेट्स की अगर आप बात करते हो तो बेसिकली ये प्राइमेट जो है इट इज एन ऑर्डर है ना ऑर्डर वो हुक्म वाला ऑर्डर नहीं या फिर दी ऑर्डर ऑफ़ फिनिक्स पॉटर का पार्ट नहीं बेसिकली ये एक ऑर्डर क्या होता है एक टेक्सोनॉमिक पोजीशन है एक्सोनॉमिक पोजीशन है या फिर आप सक, कह सकते कह सकते हो कि एक टैक्सोनॉमिक यूनिट है इट इज अक्सोनॉमिक यूनिट इन दो तरीकों से आप इस पर्टिकुलर टर्म को डिफाइन करते हो रेट नाउ इफ यू से इफ वी अंडरस्टैंड टैक्सोनॉमी क्या है तो बेसिकली ये एक अरेंजमेंट है है ना अरेंजमेंट प्लस क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स या आप कह सकते हो ऑर्गेनिजम्स बीइंग्स है ना बेस्ड अपॉन सर्टेन रिलेशनशिप यानी कि कौन कितना ज्यादा क्लोज है और कौन कितना ज्यादा डिस्टेंट है इसके बेसिस पे हम यहाँ पर क्लासिफाई करने वाले हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग एनिमल्स को इवन जब हम प्लांट के बारे में बात करते हैं तो वहां पर भी हम पढ़ते हैं प्लांट के बारे में टेक्सोनोमी बॉटनी में

पढ़े हुए या बॉटनी से रूबरू हुए हुए नॉट वेरी पॉलिस्ड ऑन दोज फैक्ट्स है ना किस तरीके से हम बॉटनी में क्लास करते थे बट हेयर वेन वी टॉक अबाउट प्राइमेटोलॉजी तो यहां पर भी वो फाइलोजनी यानी कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के ऊपर फोकस किया जा रहा है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर यहाँ पर फोकस किया जा रहा है एंड यू आर क्लासीफाइंग द ह्यूमन बींग्स एनिमल्स एंड ऑल द अदर ऑर्गैनिज्म बेस्ड अपॉन द डिग्री ऑफ रिजेंबलेंस बेस्ड अपॉन द डिग्री ऑफ क्लोजनेस बी इट ऑन द फिजिकल बेसिस जेनेटिक बेसिस और बी इट अपॉन द इोल्यूशनरी पाथवेज तो इसके बेसिस पे आप क्लोजली रिलेटेड को एक साथ रखते हो जो डिटेंटली रिलेटेड उनको अलग रखते हो यानी कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर में एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर में जितने भी है ना जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो सब क्या होंगे मोस्टली कई सारे कॉमन फीचर्स को शेयर कर रहे हो तो जब हम कहते हैं कि हम ह्यूमंस किसके अंदर में आते हैं ऑर्डर प्राइमेटा के अंदर में आते हैं तो वी आर नॉट दी बींग्स इन दिस पर्टिकुलर ऑर्डर Along with us, इस ऑर्डर के अंदर में है ना कौन कौन आ जाता है पर जो कॉमन जिनसे आप अवेयर हो है ना बहुत सारे आते हैं पर जिनसे आप अवेयर हो अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन एंड ह्यूमन इंसेस्टर्स ह्यूमन और ह्यूमन के एंसेस्टर्स तो यहां पर आते ही हैं है ना जिनके लिए हम एक टर्म को यूज करते हैं अक्सर होमन ठीक है इसको छोड़ करके आपके एप्स भी यहां पर आ जाते हैं आप गोरिल्ला चिंपांजी के बारे में पढ़ते हो इसके लिए टर्म क्या यूज होता है होमोनोइडिया ऑल राइट प्लस यहां पर हमारे ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड मंकीज भी आ रहे होते हैं ओल्ड वर्ल्ड न्यू वर्ल्ड मंकीज प्लस लिमोर लॉरेस टारशियर्स कई सारे बींग इसके अंदर में आ रहे होते वी आर नॉट अलोन हेयर वेन यू टॉक अबाउट ऑर्डर प्राइमेटा एंड इवन ऑर्डर प्राइमेटा इज नॉट दी ओनली ऑर्डर अगर हम ऑर्डर के लेवल के ऊपर जाकर के, के, लेवल लेवल के, जा के देखते हैं तो यहां पर कई सारे और भी आपको ऑर्डर देखने को मिलेंगे लाइक देर इज ऑर्डर इंसेक्टिवोरा है ना देर इज ऑर्डर कार्निवोरा There is ऑर्डर रोडेंशिया ठीक है देर इज ऑर्डर सिटेशिया सीरिनिया है ना angulata यहां पर है है ना proboscidea जिसके अंदर हमें एलिफेंट्स आ जाते हैं आपके है ना तो ये इतने सारे ऑर्डर्स आपको यहां पर क्यूमिलेटिवली देखने को मिलते हैं यहां पे लिख दो बार आप कंफ्यूज हो गए दीज आर अदर ऑर्डर्स दीज आर अदर ऑर्डर्स और ये सारे ऑर्डर किसके अंदर में आएंगे दे बिलोंग ऑल दीज ऑर्डर्स चाहे हम इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें दे टूगेदर दे टूगेदर बिलोंग टू अ क्लास कॉल्ड क्लास मैमिलिया

अलग अलग जोन आउट करके जा रहे हैं डिवीजन को करके जा रहे हैं जब हम एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं या फिर बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो वहां पर एक क्वेश्चन बनता है मेंस प्लेस इन द एनिमल किंगडम तो बच्चों को क्लास में लाइव चार्ट ड्रॉ करके आई टेल देम कि हाउ टू ट्रेस फ्रॉम किंगडम टू दी सब स्पीशीज लेवल कैसे हम चार्ट को बना रहे होते हैं बिकॉज दैट पार्ट इज नॉट डिस्कस्ड इन दी एम्बर बुक सेगमेंट बिकॉज एम्बर क्या है आपका यूपीएससी के हिसाब से नहीं बनी इट इज मोर और लेस फॉर दी पीपल हु आर इंटरेस्टेड फॉर द बिगनर्स इंटरेस्टेड इन एंथ्रोपोलॉजी है है ना और कई बार के लिए ही है कहा जाता है कि इवन यू आर चूजिंग एज एन ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी को चुन रहे हो तो आप बेसिक इस बुक से शुरुआत कर सकते हो बट आई ऑलवेज सजेस्ट कि दिस बुक इज ओनली फॉर पीपल हु वॉन्ट टू नो एंथ्रोपोलॉजी अ लिटिल बिट बिफोर स्टार्टिंग जर्नी ऑफ ऑप्शनल विथ एंथ्रोपोलॉजी ठीक है क्योंकि ऑप्शनल की जर्नी आपकी एंथ्रोपोलॉजी इज द शॉर्टेस्ट ऑप्शनल पर यहाँ पर भी बिकॉज सैटरडे संडे को आपकी क्लासेस नहीं होती सिलेबस तो चार साढ़े चार महीने में ख़त्म हो सकता है अगर हर दिन क्लास आपकी ली जाए पर आपको पता है हर दिन क्लासेस नहीं होती है ना सैटरडे संडे आपकी क्लासेस ऑफ रहती हैं यहाँ पर भी स्टडी आई में भी बाकी जगहों पर भी मोरले सेम पैटर्न होता है कई कभी अभी पे सिर्फ इवन फ्राइडे भी ऑफ रहता है तो डिपेंडिंग अपॉन दोज फैक्टर्स एंड द हॉलीडेज जो नेशनल हॉलीडेज़ हैं दिवाली ईद क्रिसमस

जब हम एम्बर एंडर के लेक्चर्स को दे रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर इन यूर माइंड कि आप एम्बर की बुक सीरीज को फॉलो कर रहे हो सम ऑफ द टॉपिक्स मे बी अलाइंड रिक्वायरमेंट ऑफ यूपीएससी वाइल मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स वोंट अलाइन है ना फॉर एग्जाम्पल पेपर टू इज कंप्लीटली मिसिंग एन एम्बर एंड बुक सीरीज पेपर टू ढाई सौ नंबर का इंडियन आर्कियोलॉजी इंडियन एंथ्रोपोलॉजी ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी इज कंप्लीटली मिसिंग और पेपर वन में भी देर आर लॉट ऑफ यूनिट जो कि अलाइंड नहीं है यूपीएससी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से फॉर एग्जांपल पेपर वन में देर यूनिट कॉल्ड मैरिज एंड मैरिज में आप एक क्वेश्चन को अक्सर देखोगे पीवाईक्यूज क्यूज अगर आपके पास है आ, बुक्स या हैंड तो आप देखोगे एक क्वेश्चन है मैरिज वाली यूनिट में आता है वेज ऑफ अक्वायरिंग मेट्स

मेमेलिया के लेवल से क्लास के लेवल से क्लासिफिकेशन बता रहे हैं कि आप वर्टिब्रेटा के अंदर में जाते हो तो अलग अलग आपको देखने को मिलते हैं कि क्लासेस आ रहे होते हैं स्पाइस हैं एप्स हैं एम्फीबिया है रेप्टीलिया है एंड मेमेलिया है नाउ अंडर मेमेलिया देर आर मल्टीपल ऑर्डर्स क्लास मेमिलिया के अंदर ये सारे ऑर्डर्स हैं और उनमें से एक हमारा ऑर्डर है प्राइमेट जिसके अंदर में हमको ये सारे ग्रुप्स देखने को मिलते हैं अभी हम प्राइमेट्स का भी सब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे एंड हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिसर डिस्क ऑफ चैप्टर फाइव पर जो मैंने आपसे बात कही कि अगर इफ यू आर समवन हु इज स्पेसिफिकली एंड आपकी प्रायोरिटी है यूपीएससी इंस्टेड ऑफ नोइंग अबाउट एंथ्रोपोलॉजी और कवरिंग द एम्बर एम्बर बुक सीरीज सो आपको एक स्मार्ट अप्रोच की जरूरत है एम्बर एम्बर और बाकी सोर्सेज के थ्रू आप प्रिपरेशन करते हो तो आपके मिनिमम तेरह से चौदह महीने जा सकते हैं इफ़ यूर प्रिपरेशन इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टूअर्ड सेलेक्शन है ना तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है दैट अपॉर्चुनिटी इज हेयर ट्वेल्थ ऑफ दिसंबर से आपके दिसंबर बैचे स्टडी आई क्यू के शुरू होने वाले हैं और फिफ्टीन ट्रिपल नाइन में यू आर गेटिंग सो मैनी थिंग्स जो मैं आपको शायद दो से तीन मिनट में बता भी ना पाऊँ कुछ जो मेजर हाईलाइट्स है इस पर्टिकुलर कोर्स की वो है लाइव लेक्चर के साथ एटीन मंथ का आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर होगा अलॉन्ग विदॉर्डेड लेक्चर्स यू विल बी ऑल्सो गेटिंग देंड रिटन नोट्स क्लास पीपीटीज एंड नोट्स वैल्यू एडिशन मटीरियल क्रक्स आपको जो टेस्ट सीरीज यहां पर दी जा रही है वो सबसे अनोखा फीचर है यानी कि सिर्फ क्लासेस नहीं है टेस्ट सीरीज पहले से इंक्लूड करके दी जा रही है एंड दो तीन चार टेस्ट पेपर्स नहीं आप दोगे एट सेक्शनल और फोर फुल लेंथ टेस्ट पेपर दोगे जिसके मॉडल आंसर्स आपको मिलेंगे है ना साइन विद डिस्कशन आपको यहां पर मिल रहे होते हैं ठीक पीवाई क्यू के एनालिसिस आपको मिल रहे होते तो इतनी सारी चीजें मिल रही हैं कि मेजर जरूरी नहीं है कि हम उसको दो मिनट में कवर कर पाए और हम उतनी डिटेल में जाएंगे भी नहीं पूरी जानकारी के लिए आप वेबसाइट पर जा सकते हो और जब आप परचेज अगर आपको करना हो तो एक चीज ध्यान रखनी कि फिफ्टीन ट्रिपल तभी आपको प्राइस मिलेगा जब आप यूएस लाइव का कोड इस्तेमाल करते हो और यूएस का कोर्स यूएस लाइव का कोड इस्तेमाल करते ही फॉर एग्जाम्पल आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हो है ना देर माइट बी अनदर बैच गोइंग ऑन और उस बैच में भी एनरोलमेंट के लिए आपको सेम प्रोसीजर करना होगा वेबसाइट पे जाइए ऑप्शन को सर्च कीजिए या फिर जस्ट गूगल के ऊपर डालिए स्टडी आईक्यू एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल कोर्स में जाकर के बाय नाउ पे क्लिक करके परचेज करते समय यूएस लाइफ क्लिक करोगे तो मिनिमम जो आपको प्राइस है वो भी मिल जाएगा डिस्काउंट मिल जाएगा प्लस पर्सनाइज ऑप्शनल सोशल मीडिया लिंक्स मिल जाएगी अभी का बैच जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ट्वेल्थ दिसंबर से न्यू बैचेस हमारे स्टार्ट होने वाले हैं अगले महीने में कोर्स से रिलेटेड एम्बर की और भी कई सारी जानकारियां फ्री पीडीएफ्स फ्री मटीरियल स्टडी मेटीरियल आपको एक्सेस करने हो तो आपको एंथ्रोपोलॉजीड बाय उत्पे मिल जाते हैं कम्युनिकेट करना कुछ पूछना हो डाउट्स हो चाहे वो प्रिपरेशन से हो सेल्फ प्रिपरेशन से हो चाहे एम्बर uh, नंबर से रिलेटेड हो है ना बैच ज्वाइनिंग से रिलेटेड अगर हो तो आप

है ना ये जो ऑर्डर प्राइमेटा है इसके अंदर में बहुत सारे ग्रुप्स आते हैं इसके अंदर में हम भी है ह्यूमंस भी हैं हमारे भी हैं भी हैं ओल्ड वर्ल्ड न्यू वर्ल्ड मंकीज भी हैं एंड अलॉट ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म लाइक लीमोटर्स है like lemur, tarsiers, ना गलेगोज आपको देखने को मिल रहे हैं ठीक है लॉरिज आपको देखने को मिल रहा है तो ये सारे भी इंक्लूडेड है तो इनकी अगर हम ओरिजिन की बात करें तो दे हैव दे आर बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड अराउंड दास्ट मास एक्सटेंशन अब लास्ट मास एक्सटेंशन का अगर आप टाइम पीरियड ट्रेस करते हो तो एज पर द जियोलॉजिकल रिकॉर्ड जियोलॉजिकल रिकॉर्ड के हिसाब से दैट मासन टू प्लेस अराउंडी सिक्स टू सिक्सटी फाइव हंड्रेड मिलियन ईयर अगो यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं क्रिटेशियस पेलियोसिन एक्सटेंशन के रूप में हम जान रहे होते हैं राइट right, आप देखते हो कि जो आपका मीजोजोइोइ एराज है है ना ये अलग अलग पीरियड्स में बटे हुए फॉर एग्जाम्पल ट्राइसिक जुरासिक एंड क्रिटेशियस ठीक है अब इसके बाद आपके नेक्स्ट एरा शुरू होता है और उस नेक्स्ट एरा में अलग अलग पीरियड्स आ जाते हैं प्राइमरी क्वार्टरनरी एंड टर्शरी अब टर्शरी पीरियड के अंदर में देर आर मल्टीपल इपोक्स ठीक है देर आर मल्टीपल ईपॉक्स जस्ट लाइक सबसे लास्ट में यानी कि जो तो सबसे इस टाइम फ्रेम को कोरिस्पोंड करता है उसको हम क्या कहते हैं पेलियो उसके बाद आपको ईओसीन देखने को मिलता है मायोसीन है ओलिगोसीन है एंड प्लियोसिन तो प्लियोसिन मायोसिन ओलिगोसीन, ईओसीन एंड पेलियोसिन ये सीक्वेंस है ऊपर से नीचे यानी सबसे नए से सबसे पुराने का ठीक है और हम जिस पर्टिकुलर पीरियड में रहते हैं उसको हम क्वार्टरनरी पीरियड कहते हैं और ये दो एपॉक्स में बटा हुआ है एक होलोसिन और दूसरा प्लेस्टोसीन प्लीस्टोसीन दी आई सेजेस जिसकी आप बात करते हो हिमयुग आप जानते हो okay? और होलोसिन लगभग ग्यारह हजार साल पहले शुरू हुआ है जिसमें प्रेजेंटली हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं आज से लगभग ग्यारह हजार साल पहले शुरू हुआ तो ये हमारे जो आप प्राइमेट्स की बात करते हो तो प्राइमेट्स एज अ ऑर्डर अर्लिएस्ट और जो हमारे एंसेस्ट्रल फॉर्म्स हैं उनको भी डू ट्रेस बैक टू अराउंड 65 टू 66 मिलियन ईयर अगो और एक आप कह सकते हो एंसेस्ट्रल स्टॉक के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे जिस ऑर्गेनिज्म को जिस प्राइमेट को हम लेते हैं उसको आप क्या कहते हो परगटोरियस ठीक है परगटोरियस अब आपको याद रखना है कि ये सारे के सारे जितने भी प्राइमेट है, ये क्लास मेमेलिया के अंदर में आते हैं मैमल्स के कैरेक्टरिस्टिक आपको पता है वार्म ब्लडेड होते हैं फोर चेम्बर्ड होते हैं है ना? किस तरीके से ये पूरे कैरेक्टरिस्टिक को आप देखते हो वो आपको यहाँ पर मिल जाता है टेरेस्ट्रियल भी है और आर्बोरियल भी है ज्यादातर आपको आर्बोरियल भी मिलेंगे और टेरेस्ट्रियल भी मिल जाएंगे। अब common characteristic जो ये ये सब के सब primate share करते हैं, ये उसका चार्ट का है है। और यहां पर में कुछ अलग अलग information दी हुई फॉर एग्जाम्पल जब हम बात करते हैं ऑर्डर प्राइमेट की तो अनलाइक अदर ऑर्डर्स जो आइज है वो ज्यादातर फ्रंट फेस्ड आपको देखने को मिलती है सामने की तरफ आई हुई है है ना और ह्यूमंस तक आप जाओगे तो ह्यूमंस के बीच में तो स्टीरियोस्कोपिक विजन आ गई है इन डेप्थ फील्ड को वहां पर वो देख पा रहे हैं है रहा? तो अलग अलग तरीके की विजन है पर आई जो है वो यहाँ पर फॉरवर्ड प्लेसिंग आपको देखने को मिल रही है जो हैंड्स होते हैं या और जो होते हैं वो यूजुअली आपको -like देखने को मिलता है फॉर एग्जाम्पल अमंगस हैंड्स यू सी है ना ये कैसे है ग्रास्पिंग आप चीजों को ग्रास्प कर सकते हो क्यों क्योंकि आपकी जरूरत है है ना आप टूल्स इक्विपमेंट मशीन्स वेपन्स किसी भी चीज को यूज कर रहे हो तो अलग अलग तरीके की होल्डिंग ग्रास्पिंग मूवमेंट की हमें जरूरत है हैंड में है ना तो इस तरीके के मसल्स हमारे हाथों में मौजूद हैं जो कि हमें <coughs> सॉरी ग्रास्पिंग के फीचर को देते हैं इवन अमंग्स दी अदर ग्रुप आप देखोगे कई सारे जो हमारे आर्बोरियल प्राइमेट्स हैं मंकीज को आप देखोगे और भी कई सारे कई सारे लेसर एप्स लाइक गिब्बन के बारे में अभी हम पढ़ेंगे तो उनको क्या करना होता है ब्रेकिएट करना होता है एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे वो स्विंग करते हैं तो वहां पर भी क्या करना है पेड़ों की टहनियों को पेड़ों की टहनियों को तो नहीं सही एटलीस्ट ब्रांचेस को उनको होल्ड करना है करना है है कई सारे मंकीज को आप देखो कि वो बैट्स की तरह उल्टा भी लटक सकते हैं है ना तो वहां पर भी जो फीट है उसकी भी जरूरत है इवन अगर वो उल्टा ना लटके जो कि उतना प्राइमेली यूज नहीं करते हैं वो है ना प्राइमरीली वो ब्रांचेस के ऊपर चलते हैं अगर स्विंग नहीं कर रहे हैं तो ब्रांचेस के ऊपर चलते हैं और वो पतली पतली ब्रांचेस से दे डो नॉट गेट ऑफ बैलेंस इसलिए आपको क्या देखने को मिलता है कि उनके जो फीट होते हैं वो भी ग्रासपिंग होते हैं तो यू सीक हैंड एंड द फीट बोथ आर ग्रासपिंग इन नेचर अपार्ट फ्रॉम दैट आपको देखने को मिल रहा है कि जो फोर आर्म्स है वो यहां पर रोटेटिंग आपको देखने को मिलेगी ठीक है फोर आर्म आपको रोटेटिंग आपको देखने को मिलेगी कंपेयर टू अदर ऑर्डर्स इवोल्यूशनरी ट्रैक में जब हम प्राइमेट्स के तक पहुंचते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जो ब्रेन की साइज है वो रिलेटिवली लार्जर प्राइमेट में और वहीं दूसरी तरफ आप देखते हो जो होमोसेपियंस हैं या फिर कई हमारे एंसेस्टर्स हुए लाइक नियंटरथर्स एंड क्रोमैगन इनकी क्रेनल कैपेसिटी इवन बियउंडीन हंड्रेड क्यूबिक सेंटीमीटर्स रिकॉर्ड की गई है ऑन एन एवरेज जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं उनकी क्रेनल कैपेसिटी क्यों हम 1400 हंड्रेड टू फिफ्टीन हंड्रेड क्यूबिक सेंटीमीटर्स के पास रखते हैं अपने अगर हम बात करें प्रेजेंट स्पीशीज की तो इट इज ऑन एन एवरेज फोर्टीन क्यूबिक सेंटीमीटर्स बट इफ यू डू इंक्लूड क्रोमैग्नन एंड यंडरथल्स जिनके में कई फॉर्म्स हमें हायर क्रेनल कैपेसिटी के साथ देखने को मिले प्रेजेंट ह्यूमन से भी हायर क्रेनल कैपेसिटी देन वी टेक द एवरेज ऑफ राउंड सिक्सटीन हंड्रेड ठीक है सिक्सटीन हंड्रेड के एवरेज को हम देखते हैं तो पीरियड में ये सारी चीजें आपकी बढ़ती गई हैं। तो ये कुछ की फैक्टर्स हैं जो हर एक प्राइमेट के बीच में आपको कॉमन देखने को मिल रहे तो इसको छोड़ के भी कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और उन कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत ही बेहतर तरीके से मेवाट ने दो दफा समझाया है ना एक बार उन्होंने अर्ली सेवेंटीज में इस चीज को बताया है और एक बार उनकी रिफाइंड वर्क जो हमें देखने को मिलता है जो रिपब्लिश हुआ था वो नाइनटीज में हमें देखने को मिलता है तो मीवार्ट का जो एक इम्फेसिस है उनकी जो डेफिनेशन है हाउ ही कैरेक्टराइज प्राइमेट दैट इज वेरी कॉम्प्रेहेंसिव एंड सुटेबल टू बी रिटर्न इन द यूपीएससी आंसर्स बट सिंस एम्बर नंबर इज नॉट मैं वी आर ऑल्सो नॉट इंक्लूडिंग दैट, बिकॉज हमारी जो कवरेज इट इज गोइंग टू बी वेरी मच स्पेसिफिक अबाउट एम्बर एंडर एंड इट इज राइट ऑल्सो अगर मैं एम्बर नंबर बोल के आपको कोई और चीज़ बताऊँ या पढ़ाऊँ तो है ना तो वो जस्टिस नहीं हुआ क्योंकि मे बी आप बाकी चीजों को जानते हो देर कैन बी अ चांस कि आप बाकी चीज़ों को पढ़ रहे हो कई सारे बच्चे जो बैचेज में वो उन चीजों को पढ़ रहे हैं एंड दे स्पेसिफिकली वॉन्ट टू नो कि एम्बर नंबर में क्या दिया है और वो उसको चाहते हैं कि कोई पढ़ा दे ताकि उनकी जो मेहनत है वो वहां पर पहले पढ़ो समझो इंटरप्रेट करो उतनी ना लगे ठीक है सो दे डू वॉन्ट दैट सो इट इज स्पेसिफिकली एम्बर एंड एम्बर कवरेज वी आर नॉट नेसेसरली कवरिंग एवरी थिंग पर्टेनिंग टू प्राइमेटोलॉजी दैट कैन बी आज इन द यू पी एस सी एग्जामिनेशन ठीक है तो अगर हम करते तो वहां पर ली ग्रॉस साहब के क्लासिफिकेशन को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिक ली ग्रॉस साहब का एक तरीके से फीचर्स उन्होंने बताए क्या फीचर या कैरेक्टरिस्टिक हर एक प्राइमेट के बीच में प्रेजेंट देखने को मिलता है और मेवाट साहब ने एक बहुत प्यारी डेफिनेशन दी है जो अपने आप में कई सारे कैरेक्टरिस्टिक को रखती है है ना वो शुरू करते हैं प्राइमेट्स आर के रूप में वो बता रहे होते ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट चीजें आप सिलेबस को जब कवर करते हो तो ही पढ़ते हो

एंड टेक्स आर स्पेसिफिकली फ्रॉम एम्बर एंड एम्बर बुक ओनली मेरे लिए बहुत आसान होता है मुझे पीपीटी नहीं बनानी पड़ती और आपको मैं Primatology एक ब्लैंक पेज खोल करके पूरी प्राइमेटोलॉजी बता देता और आपको ज्यादा नॉलेज मिलती है और एग्जाम के हिसाब से भी आपको यूजफुल होता पर यहाँ पर कवरेज किस चीज़ की एम्बर एंड एम्बर की बिकॉज यू रिक्वायर आप अक्सर रिक्वेस्ट करते रहे हो मुझसे ठीक है यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो आपको देखने को मिला है कुछ कॉमन फीचर लाइक क्लैविकल और कॉलर बोन हमें देखने को मिलती है क्लैविकल और कॉलर बोन अक्सर क्लैविकल को हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं है ना ये जो आपकी कॉलर की बोन है यहाँ पर देखने को मिलता है ये जो हड्डी यहाँ पर निकली हुई होती है है ना इसको आप क्या कहते हो कॉलर बोन कॉलर के पास है ठीक है और इसका यूज क्या है इस फीचर का आपकी आर्म मूवमेंट में शोल्डर मूवमेंट में काफ़ी ज्यादा ये एड करता है फॉर एग्जाम्पल हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज में या फिर अभी भी एज अ गेम स्पोर्ट्स नीरज चोपड़ा जी इफ आई एम नॉट रॉन्ग है ना नीरज चोपड़ा जी ने ओलंपिक जीता तो वो आप देख रहे हो स्पियर थ्रोअर्स जो है या किसी भी तरीके के वेपन को आप लॉन्च करो जो प्रोजेक्टाइल वेपन है ना तो उसके लिए आपको इस तरीके के मूवमेंट्स की आर्म और शोल्डर के कंबाइंड मूवमेंट की आपको जरूरत पड़ती है तो उस चीज में काफी ज्यादा हेल्प करता है तो स्पीय थ्रोइंग से लेकर के और भी कई तरीके की जो फाइन मूवमेंट होती है कंसर्न विद टूल्स और वेपन्स यूज ये यहां पर प्रोवाइड करते हैं आपकी क्लाविकल है ना तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ह्यूमन इन द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन हैव

तो पांच डिजिट्स होते हैं यूजुअली कई केसेस में देर आर एक्सेप्शन ठीक है पर उन एक्सेप्शन की बात नहीं करें हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो यूजुअली पेंटाडेक्टाइल और जो क्लॉज या नेल्स आपको बाकी ऑर्डर्स में या मैमल्स के अंदर में देखने को मिलते हैं वो यहां से यूजुअली क्या हो रहे हैं डिसअपियर हो रहे हैं एंड उनकी जगह पर आपको

लिम्स में आपके अपोजिबल थम्स होंगे या तो दोनों में आपको देखने को मिल रहे होंगे कई में लाइक like ह्यूमंस में हमारे में क्या है जो बिग टो है वो अपोजिबल नहीं है, है ना पाओ में जो आपके अंगूठे हैं वो अपोजिबल नहीं है आपके हाथ के जो अंगूठे हैं ये अपोजिबल कई में दोनों है और कई में सिर्फ एक पांव वाला अपोजिबल है तो अपोजिबिलिटी का क्या मतलब होता है आप को अलग अलग तरीके के मूवमेंट दिखा सकते हो है ना इस तरीके से आप मूव कर सकते हो इस तरीके से मूव कर सकते हो तो दीज मूवमेंट आर गिवेन स्पेसिफिक नेम लाइक सर्कमडक्शन सर्कुलर मूवमेंट करते हो अपोजिबिलिटी आपको यहां पर देखने को मिल रही होती है ठीक है तो कई तरीके फ्लेक्सीऑन आपको मूवमेंट देखने को मिल रही होती है तो बहुत मूवमेंट है और इसके लिए कई सारी मसल्स लाइक एबडक्टर एंड एडक्टर पॉलिसेस आर इन्वॉल्व इन चीजों को मैं लिख के नहीं बता रहा, रहा और पीपीटी में भी नहीं लिखा है क्योंकि ये चीजें है नहीं है बड़े नंबर में और राइट बट दीज मसल्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व जो इंटरसिंग और एक्सटेंसनिंग मसल्स होती हैं वो भी यहां पर इन्वॉल्व होती हैं अपार्ट फ्रॉम दैट आपको देखने को मिलता है कि मोस्ट ऑफ द प्राइमेट एक्सेप्ट फ्रॉम एक्सेप्ट फॉर सम प्रिमिटिव प्राइमेट या फिर लोअर प्राइमेट मोस्टली सारे डायोर डायर मतलब एक्टिव ड्यूरिंग डे टाइम है है ना है ना जैसे हम कभी, कभी कभी कई बार क्या कहते हैं एक टर्म को यूज करते हैं कोई अगर बहुत ही रात भर जागता रहता है या रात भर पढ़ रहे रात भर घूम रहे कि आप निशाचर हो क्या निशाचर मतलब क्या नॉक्टर्नल बींग्स के लिए यूज होता है है ना आपका आचरण जो है वो निशा यानी कि शाम के बाद आप ज्यादा एक्टिव हो है ना पोस्ट दी सनसेट या फिर इवनिंग या फिर नाइट में एक्टिव जो होते हैं यूजुअली नाइट में जो एक्टिव होते हैं उनको नॉक्टर्नल क्रीचर्स कहा जाता है है ना रात रात भर जागे रहते और mostly, uh, awake and active during the एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन है नंबर uh, में ये नहीं है पर ये आपके लिए जरूरी था इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया था है ना एम्बर नंबर में बताया तो क्या है क्लासिफिकेशन को पर इमेजेस कोई सुटेबल वहां पर नहीं है बैचेज में मैं दोनों क्लासिफिकेशन पढ़ाता हूँ पर आपको मैं यहाँ पर सिर्फ एक क्लासिकल क्लासिफिकेशन दे देता हूं क्योंकि जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है वो टाइम भी ज्यादा लेगा और दोनों चीज़ को समझने में शायद आपको थोड़ी दिक्कत भी होगी सर इसमें ऐसे था उसमें ऐसे कन्फ्यूज हो जाते हो आप तो सिंपल बेसिक्स के साथ आप यहाँ पे लीजिए ऑर्डर प्राइमेट को हमने कई सारे सब ऑर्डर और इन्फ्रो ऑर्डर में डिवाइड किया हुआ है तो आप देखते हो कि दो ग्रुप्स में बटा हुआ है एक प्रोजिमा या फिर जिसको आप क्या कहते हो प्रोजीमियंस कहते हो है ना और दूसरा आपका एंथ्रोपोइडिया अब प्रोजिमियंस की जब हम बात करते हैं

करेक्टरिस्टिक uh, फीचर है उसका जो कि उसको एंथ्रोपोइडिया में ला करके रखता है तो अभी हम कुछ इमेजेस भी यहां पर रखे हैं लॉरिस की और टार्शर की उसकी बात करेंगे हम बट उससे पहले देख लेते हैं जो दूसरा ग्रुप है इसके अंदर में इज इज अ डिफरेंट ग्रुप इन ऑर्डर प्राइमेट दैट कॉल्ड एज एंथ्रोपोइडिया अब एंथ्रोपोइडिया आपको देखने को मिलेगा कई सारे ग्रुप्स में यहां पर बटा हुआ है फॉर एग्जाम्पल सिबोइडिया है सरकोडिया है एंड होमोनोइडिया है ठीक है होमोनोइडिया के अंदर में कौन कौन है एप्स हैं आपके यानी कि पोंगिडे है आपका है ना और आपका होमोनिडे है यानी कि ह्यूमन और उसके एंसेस्टर होमोनिडे में और पोंगिडे के अंदर में एप्स आपको देखने को मिल रहे होते हैं ठीक है सिमिलरली सिबोइडिया और सर्कोपिथकोइडिया के अंदर भी सब ग्रुप्स आपको और देखने को मिलते हैं यहां पर जिसके अंदर में कई सारे ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड ठीक है तो यहां पर कैलिथ्रिसिडे पोलोबिने है ना ये सारे सब ग्रुप्स आपको आते हुए देखने को मिलते हैं फर्दर जिसके अंदर हम जाएंगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है इसलिए उसको हमने नहीं रखा है एक इवोल्यूशनरी ट्री मैंने यहाँ पर आपके लिए इमेज को ऐड कर दिया है गूगल से निकाल करके जिससे आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी हमने कहा ह्यूमन का सबसे एंसेस्ट्रल जो प्राइमेट uh, ऑर्गेनिज्म रहा होगा है ना जब इसका ओरिजिन हुआ होगा तो डैट कैन बी ट्रेस टू दी क्रिटेशियस पेलियोसिन बॉर्डर दैट इज अराउंड सिक्सटी टू सिक्सटी मिलियन ईयर अगो Usually 65 मिलियन हम उसको ऑन एन एवरेज ले रहे होते तो इस समय पर आपको देखने को मिलेगा कि कि एक अर्ली प्राइमेट है जो अराउंड इस समय के आसपास में ओरिजिनेट हुआ दिस टाइम पीरियड बेसिकली रफली टू दी हमने व्हाइट लिया गया नहीं ब्लैक ही तो लिया है दिस टाइम पीरियड रफली करेस्पॉन्ड टू दी सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव मिलियन ईयर अगो जब इनफैक्ट यहाँ पे लॉरिस नहीं आए थे है ना उस समय दूसरे नाम थे कार्पेल आप कहते हो स्माइल की बात करते हो है ना आ, ओमो मोमिडे की बात करते हो तो बहुत सारे ग्रुप्स हैं पर ये सिंप्लीफाई करने के लिए आपको समझाने के लिए इसने यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर्स को बनाया है ऐसे डायग्राम्स और ये टाइम को दिया हुआ है तो उसके बाद आप देखते हो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज कब आए होंगे आपके प्रोजीमियंस के बाद है ना अराउंड ट्वेंटी फाइव मिलियन ईयर अगो पहले न्यू वर्ल्ड मंकी थर्टी फाइव मिलियन जो कि इनसे पहले ही आ जा रहे हैं थर्टी फाइव मिलियन ईयर अगो पहले ग्रेट एप्स की अगर आप बात करते हो लेसर एप्स की बात करते हो तो लेसर एप्स एटीन मिलियन ईयर अगो पहले आए ग्रेटेप्स अराउंड 12 मिलियन ईयर अगो पहले हैं यानी कि जबकि हमारे रामा पितकस शिवा पितकस के पॉसल्स आपको देखने को मिलते हैं राइट right? और इसके बाद आप जब आते हो कि ग्रेट एप्स में भी जो गुरेलाज हैं या फिर चिमपैनजीज हैं दे आर रिलेटिवली है ना और इसके बाद ह्यूमंस और उनके जो एंसेस्टर्स हैं उनको हम मायोसिन और इसके बाद के टाइम में टाइम पीरियड में रखा करते हैं तो इस ट्री से आपको एक अच्छा खासा अंदाजा मिल गया होगा अब हम जिन क्लासेस की बात किए यह हैं यहाँ पर

कलर ब्लैक चलेगा या फिर रेड ले लेते हैं रेड लेते हैं स्ट्रेप्सिराइने और हैप्लोराइने, ठीक है अब हम प्रोजीमियंस के अंदर में आ जाते हैं जिसके अंदर में लॉरिस लीमूर और टार्शियस आते हैं प्रोजीमियंस को यूजुअली आप आ, देखते हो तो इनके बीच में कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है लाइक मजल लाइक इनका माउथ स्नाउट्स आप देखते हो ना निकला हुआ जैसे भेड़िया मूवी आपने अभी देखी होगी वरुण धवन की आई थिंक तो उसमें आप देख रहे हो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना तो ऐसे बाहर की तरफ मुंह निकलता रहता है तो दैट मजल सेप स्ट्रक्चर स्नाउटी फेस जो है वो यूजली टिपिकल फीचर होता है किसका प्रोजीमियंस का और साथ ही साथ एक हाइटेंड सेंस ऑफ ऑल आपको देखने को मिलता है यानी सूंघने की जो क्षमता है स्मेल करने की जो टेंडेंसी है पावर है दैट इज प्री मच डेवलप्ड अमंग दीज प्रोजीमियंस है ना और ग्रेजुअली जैसे जैसे आप ह्यूमंस की तरफ जाओगे है ना तो आपको ये ऑल कम होते देखने को मिलेगा और इस ऑलफैक्शन की जगह पर विजुअल अप्रेटर्स आपका और भी ज़्यादा बेहतर होने लगेगा प्रोजीमियंस जो है वो रिजम्बल करते हैं यूजली uh, आपको देखने को मिलेगा बाकी मैमल से है ना the यानी कि जितना वो anthropoids से सिमिलर नहीं है उतना ज़्यादा वो बाकी एनिमल्स में, में है ना एनिमल्स में आप इस चीज को देखते हो गए सो so, अलग अलग फॉर्म जो इसके अंदर में आता है उसको हम देख लेते हैं तीन फॉर्म्स हैं जो कि तीन ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है लॉरिसी फॉर्मस लिमुरी फॉर्मस एंड टारसी फॉर्मस सबसे पहले हम लिमुरी फॉर्मर्स की यहाँ पर बात कर लेते हैं ये आज की कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बात करो तो दो ही आइलैंड पे आपको देखने को मिलते हैं पहला जो आपको साउथ ईस्टर्न कोस्ट देखने को मिल रहा है अफ्रीका का वहाँ पर मेडगास्कर में और दूसरा आपको कोमोरो आइलैंड्स में इनका जियोग्राफिकल नीच देखने को मिलता है ना जियोग्राफिकल हैबिटेट आपको इनका वहाँ पर देखने को मिलता है साइज की अगर आप बात करते हो तो वेरी करता है माउस लीमर्स जो होते हैं वो भी प्रेजेंट है माउस के साइज के आपको देखने को मिलेंगे और जो इंद्री है है ना वो इंद्री डी जो आपको देखने को मिलता है या फिर जो आपको देखने को है, वो लगभग टू फीट तक भी आपको जाते हुए देखने को मिल जाएंगे तो इंद्री जो है वो चार फुट तक जा सकता है तो साइज यहाँ पर वेरी कर रही है अच्छी खासी ठीक है और यूजअली ये क्या करते हैं सिंगल ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं है ना पर ट्विंस भी अनकॉमन नहीं है यहाँ पर ट्विंस भी या फिर ट्रिपलेट्स जो है एक साथ तीन जो बच्चे हैं वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं पर यूजुअली सिंगल ऑफ आपको प्रोड्यूस होते हुए देखने को मिलती है अगर इनके आप लोकोमोशन पैटर्न की बात करो कि ये चलते कैसे हैं फिरते कैसे हैं तो यूजुअली इनके बीच में वर्टिकल क्लिनजिंग एंड लीपिंग की हैबिट होती है है ना ये वर्टिकली क्या करते हैं क्लिंज करके ऐसे ऐसे जैसे आप रस्सियों को चढ़ते हो उस तरीके से क्लिंज करते हैं अपवर्ड्स है ना और दूसरी तरफ ये लीपिंग करते हैं एक लीपिंग मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी ठीक है आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको बहुत अच्छे से इसके कुछ शॉर्ट्स या डॉक्यूमेंट्रीज में वीडियोस देखने को मिल जाएंगे जब आप लीमोड्स को सर्च करते हो हम इनके अगर हैबिट की बात करते हैं तो यूजुअली ये कैसे होते हैं नॉकटर्नल होते हैं जो अभी मैंने आपको बताया कि कुछ लेसर प्राइमेट है वो नॉक्टर्नल हैं पर उनको छोड़ करके बाकी जितने प्राइमेट्स हैं वो आपको डायूर्नल देखने को मिलेंगे तो दीज आर नॉकटर्नल जर्नली अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम कुछ इस यूजल सॉरी uh, एक अनयूजल फीचर की बात करते हैं तो फीमेल आर ऑब्जर्वड एंड सीन टू डोमिनेट दिस पर्टिकुलर

ठीक है इस चीज के ऊपर डोमिनेंस इनकी दिख रही होती है लॉरिस की अगर हम यहाँ पे बात कर देते हैं तो लॉरिस के अंदर आपको लॉरिस के अंदर में आपको दो अलग अलग ग्रुप्स देखने को मिल जाते हैं और ये जो दो मेजर सब फैमिलीज हैं है ना वो कौन सी है पहली तो लॉरिसिस जिसको इन जनरल हम कहते हैं और दूसरा जिसको हम बुश बेबीज या फिर गैलेगोस भी कहते हैं मैंने इमेजेस को भी ऐड कर दिया गया है ये आपको देखने को मिल रहा है लॉरिस की इमेज और नीचे आपको बुश बेबी यहाँ पर आपको एक लॉरिस की इमेज देखने को मिल रही है बेसिकली ठीक है इनकी लोकेशन की अगर आप बात करते हो तो साउथ ईस्ट एशिया और सब सहारन अफ्रीका में, में आपको देखने को मिलते हैं प्राइमेट है या फिर अर्ली प्रोजीमियंस है इसीलिए ये भी नॉकटर्नल आपको देखने को मिलते हैं और रहना इनका कहां पर है पेड़ों के ऊपर ज्यादातर आर्बोरियल होते हैं खाते क्या है यूजुअली फ्रूगी वोरस होते हैं कभी कभी बहुत रेयर कंडीशन में देखा गया है कि प्लांट्स के भी कुछ चीज़ों को खाते हैं बट दैट्स वेरी रेयर जनरली फ्रूगी और इंसेक्टी वोरस होता है यानी कि इंसेक्ट्स और जो फ्रूट्स हैं है ना इनके ऊपर इनका पूरा फीडिंग पैटर्न हो रहा होता है अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करते हैं तो जो बुश बेबीज हैं वो कंपेरिटिवली क्विकर होते हैं है ना एंड दीज आर एक्टिव एनिमल्स दैट हॉप बिटवीन दी ब्रांचेस एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच के बीच में ये हॉप करते हैं छल छल के जाते रहते हैं

ये चल रहे होते हैं। जिस तरीके तरीके से से आपको आपको इमेज में गया। और बहुत ही स्लो स्लो मतलब आप देखिएगा कभी डॉक्यूमेंट्री या वीडियो तो बेहतर समझ में आएगा जो अगला ग्रुप जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं is, और ठीक है अब ये डिबेट का विषय हो जाता है क्योंकि कई सारे के प्रोजीमियन लाइक -like और कई सारे एंथ्रोपोइ लाइक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं इसके टार्चर्स की अगर आप बात करते हो तो ये कहां पर आपको देखने को मिलते हैं जो आपका फिलीपींस का आइलैंड है और इंडोनेशिया का आइलैंड है ना इन दो जगह पर आपको देखने को मिलते हैं दे आर ऑल्सो मोस्टली नॉकटर्नल साथ ही साथ ये भी पहले की तरह आर्बोरियल है और ये पहले ग्रुप्स की तरह इंसेक्टिवोरस आपको देखने को मिलते हैं ठीक है यहाँ पर एक अच्छी एक अलग बात किया जाती है कि ये प्रीडोमेंटली ज्यादातर इंसेक्टिवोरस है एज कंपेयर टू अदर टू जो कि मोस्टली फ्रूगी वोरस प्लस इंसेक्टिवोरस आपको देखने को मिलता है तो ये डिस्टिंकशन यहां पर देखा जा सकता है इनका जो नाम आप देख रहे हो दैट इज बेसिकली नाम टारशियस आया कहा से आपको पता होगा बोन के बारे में है ना तार्सल, मेटा तार्सल, कार्पल्स मेटाकार्पल्स अगर आप बायोलॉजी बैकग्राउंड के तो भी आपने सुना होगा अदरवाइज आप गूगल को सर्च करके देखिए गूगल पे सर्च करके देखिए तो जो टार्सल बोन्स हैं इनकी काफी ज्यादा लॉन्ग होती है इलांगेटेड होती है और उसी के बेसिस पे इनका नाम टारशियर्स यहां पर आपको पड़ता हुआ देखने को मिला है दे आर वेरी मच स्किल्ड एट दी मूवमेंट जिसकी हमने अभी ऊपर दो बार बात की है वर्टिकल एंड लीपिंग है ना अब वो वो चीजें जो इनको प्रोजीमियंस के लाइक बनाती हैं हैं कौन कौन सी है? पहला तो इनके के नंबर दूसरा एक डेंटल कोम प्रेजेंट होते हैं यानी कि दांतों के स्ट्रक्चर में जो इनके आगे वाले टीथ हैं दांत हैं है ना जैसे तो हमारे दांत इस तरीके से डिजाइन है ऊपर की तरफ यहां पर है ना एक ऐसे डाउन प्रोजेक्टिंग और एक अपवर्ड्स प्रोजेक्टिंग इनके जो दांत होते हैं वो कोम की तरह आगे के सामने के दांत जो है वो ऐसे आपको निकलते हुए देखने को मिलेगा और राइट सो अगर स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करो और थ्री डी में तो ये थ्री डी में ज्यादा बेहतर तरीके से हो पाता है ऐसे आपको शायद उतना तरीके से ना समझ में रहेंगे दोस्त हैं फैमिली हैं उनकी ग्रूमिंग में इंसेक्ट को निकालना सफाई में इन सारी चीजों में पर्सनल ग्रूमिंग में और जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके ग्रूमिंग में यूजली आपको डेंटल कोम हेल्प कर रहा होता है तो ये प्रोजीमियन लाइक -like फीचर इनके बीच में पाया जा रहा होता है ठीक है इसमें कोई डाउट अगर आपको है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो हम उसको क्लैरिफाई कर देंगे नेक्स्ट एम्बर नंबर यानी कि इसी चैप्टर के सेकेंड वीडियो में ना यहाँ पर एक एम्बर में कई सारे ऐसे पॉइंट्स भी हैं टॉपिक्स भी हैं जो आपका टाइम बे काफी ज्यादा वेस्ट करते हैं एंड आई डू नॉट पर्सनली लाइक इट स्पेशली फॉर द यूपीएससी स्टूडेंट बाकी लोग के लिए तो ठीक है फॉर एग्जांपल एक बड़ा सा पन्ना आपके लिए एंडेंजर्ड प्राइमेट के बारे में दे दिया है अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी के पर्स्पेक्टिव से और यहाँ पर बताया है कि पूरी डिस्कशन का एक अगर आपको मैं समरी बताऊं तो यहां पर बताया कि इस रीजन में ये लॉरिस के ग्रुप यहां पर इनका नंबर गिर रहा है यहां पर इसका नंबर गिर रहा है और यूजुअली उसके लिए रिस्पांसिबल क्या है ह्यूमन एक्टिविटीज ह्यूमन टिम्बर्स को कलेक्ट कर रहा है जंगल के अंदर हैबिटेशन को रख रहा है इनके जो नेचुरल साइट्स हैं वो वहां पर इनडेंजर हो रही है समथिंग दैट यू ऑलरेडी हियर अबाउट अ लॉट ऑफ अदर इंडेंजर्ड एनिमल्स एज वेल दो इवन आर नॉट पार्ट ऑफ ऑर्डर प्राइमेटा और इन सारे के बीच में सारी चीज़ों के बाद में वो कहता है कि इसका सोल्यूशन बेसिकली क्या है ईधर पॉपुलेशन ग्रोथ इन मेनी प्लेसेस हैज टू बी कर्टेल्ड या तो पॉपुलेशन जो इतनी बढ़ रही है जिसकी वजह से जंगल को काटा जा रहा है रिसोर्सेस को डिप्लीट करके ह्यूमन के सेटलमेंट साइट बनाए जा रहे हैं या तो आप उसको रोक दो और या तो हम क्या कर सकते हैं और वी हैव टू प्रिजर्व सब्सटेंशियल पॉपुलेशन ऑफ नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स इन प्रोटेक्टेड पार्क्स एंड जूज या फिर आप क्या करो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेशनल पार्क जूज इन तरीके के स्ट्रक्चर को बना करके जो इंडेंजर्ड स्पीशीज लाइक दीज विच आर मैं डिपेक्टेड इन द पिक्चर उनको आप वहाँ पर बचाओ तो इतनी सी बात करने के लिए यह आपका कम से कम दस पंद्रह में भी अगर आप स्लो लीडर हो तो और भी ज़्यादा समय ले सकता है एक एक चीज को आप पढ़ोगे इन डेप्थ पढ़ोगे तो आराम से आपके दस मिनट वहां पर कहीं नहीं गए और ऐसे मल्टीपल पेजेस आपको एम्बर नंबर में देखने को मिलते हैं छोटी सी बात दैट यू ऑलरेडी नो उसके लिए आपके समय से निकल जाते हैं यहां पर राइट सो दैट इज वॉट नॉट वट मेक्स एम्बर नंबर नॉट वेरी सुटेबल फॉर स्पेसिफिक प्रिपरेशन स्मार्ट प्रिपरेशन ऑफ यू पी एस सी एंथ्रोकॉजी ऑप्शनल अब हम आ जाते हैं एंथ्रोपॉइट्स के ग्रुप के ऊपर एंथ्रोपॉइट्स या फिर एंथ्रोपोइडिया है ना ये एक दूसरा ग्रुप है किसके अंदर में ऑर्डर प्राइमेटा के अंदर में पहला क्या था प्रोजीमियस जिसके अंदर में लॉरिसी फॉर्मस लिमोरी फॉर्मस टारसी फॉर्मस अब दूसरा एंथ्रोपोइडिया जहां पर सिबोइडिया सर्कोपितोडिया एंड होमोनोइडिया आएगा तो इसके अंदर भी कुछ कॉमन फीचर आपको देखने को मिलेंगे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको जब हमने बात की थी कि एंथ्रोपॉइट्स की तो इसके डिविजन में हम दो ग्रुप्स को रखते हैं है ना यानी कि एंथ्रोपॉइट जो आपका है Prozemians, कैसे divided थे? यहां पर ये दो सब में है, जिस, जिसको में जिसको से एक क्या है Katarinae, और दूसरा क्या है प्लेटिराइने ठीक है और प्लेटीराइने और Katarinae हम किसके बेसिस पे रखते हैं डिस्टिंगशन बेस्ड अपॉन शेप एंड साइज ऑफ द नोज प्लेटिराइने यूजुअली ब्रॉडर नोज को रखते हुए देखने को मिलता है अदर हैंड को आपको रखने वे, रखते हुए आपको देखने को मिलेंगे जो प्लेटिराइन है इनके बीच में एक प्रीहेंसाइल टेल है प्रीहेंसाइल टेल का मतलब क्या ग्रिप के लिए आप देखते हो ना बंदर अक्सर अपनी पूछ को जो ब्रांचेस है उसके अगेंस्ट रैप करके लटक सकते हैं स्विंग कर सकते हैं

फिर उसके बाद एक, फिर उसके बाद दो आपके प्री मोलर्स और तीन आपके मोलर्स सिमिलरली कैनी में टू वन थ्री टू अपॉन टू वन थ्री टू आपको एक स्टैंडर्ड डेंटल फॉर्मूला देखने को मिल रहा होता है तो यहां पर टोटल कितने टीथ होते हैं छत्तीस टीथ हो जाते हैं यहां पर आपको

लाइक like हमारे पास वेक फिट ड्यूरोपेल है ना मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा इफ एनी ऑफ द ब्रांड आर मी डेफिनेटली दे कैन प्रोवाइड मी स्पॉन्सरशिप है ना बट डेफिनेटली यहां पर उनके पास एक कंफर्ट नहीं मौजूद है वो रिक्लाइनर्स को नहीं रह रहे ठीक है वो सोफाज पे ऊपर नहीं बैठ रहे हैं, है ना वो बेसिकली अन इवन सर्विस पे प्लेटफॉर्म्स पे ब्रांचेस पे ट्रीज के ऊपर बैठ रहे हैं और वो

अब दूसरे ग्रुप के अंदर में आ जाते हैं है ना दूसरा ग्रुप कौन सा है सरकोपिटोइडिया पहला सिबोइडिया दूसरा सरकोपिटोइडिया तो सरकोपिटोइडिया के अंदर भी आपको दो सब ग्रुप देखने को मिल रहे हैं पहला सरकोपीथीसिने और दूसरा कोलोबिने अब सरकोपीथीसिने के अंदर में आप देखोगे इशियोलोसिटीज और जो चीक पाउचेस हैं ये दोनों चीज वहां पर प्रेजेंट है ठीक है और कोलोबीने के अंदर में दोनों चीज आपको एप्सेंट देखने को मिलती है जो डेंटल फॉर्मुला है वो टू वन टू थ्री अपॉन टू वन टू थ्रीमन बींग्स टीथ नेल्स पर फ्लैट है और थंब आपको अपोजिबिलिटी दिखा रहा होता है इसके बाद हम उस ग्रुप में आ जाते हैं जिसमें हम एप्स और हमारे एंसेस्टर्स तीनों एक साथ बिलोंग करते हैं शुरुआत में आपको बताया था दैट इज होमोनोइडिया या फिर होमोनिट्स जिनको हम कहते हैं ठीक है अब होमोनिट्स दो अलग अलग ग्रुप में बटा हुआ है एक आपका पोंगिडे और दूसरा आपका होमोनिडे पोंगिडे के अंदर में आपके कौन आते हैं एब्स आते हैं है ना लेसर एब्स और ग्रेटर एब्स लेसर एब्स को आप आइलोबैथी कहते हो ठीक है तो ये सारे मेंबर्स आपके इनके अंदर में इंक्लूडेड होते हैं अब अगर हम बात करें ब्रेक डाउन करते हैं तो पोंगिडे सबसे पहले शुरू करते हैं और उसमें भी सबसे पहले लेसर एक्स यानी की बात करते हैं के अंदर में दो मेंबर्स आते हैं जिनको आप क्या कहते हो गिब्बंस या फिर कहते हैं। है ना गिब्बंस और सियामांस इनको आप कहते हो ये यूजुअली मिलते क्या है इनकी टेरिटरी क्या है यूजुअली ये जंगल्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में आपको देखने को मिल रहे होते हैं गिब्बंस और uh, सियामांग बहुत सारी सिमिलैरिटीज है पर कई सारी डिफरेंसेस भी हैं फॉर एग्जाम्पल गिब्बंस आर स्मॉल है ना Usually ये ऑन एन एवरेज ट्वेल्व टू थर्टीन पाउंड के वेट को रखते हैं जबकि जो सियामांग्स हैं वो ऑन एन एवरेज 18 टू 20 पाउंड्स के वेट को रख रहे होते हैं जो लेकिन कभी भी वो वेट 25 टू 26 पाउंड के ऊपर नहीं जा रहा होगा है ना तो कंपैरेटिवली ये हेवियर हैं और लार्जर आपको देखने को मिलते हैं कंपेयर टू गिबंस दोनों हाइलो के अंदर में आ रहे हैं इतना ध्यान में रखिएगा और दोनों को लेसर एप्स कहते हैं ठीक है और ज, जो रीजन है है वो भी सेम है। अब अगर आप इनकी हैबिट की बात करते हो तो दे आर मोस्टली फ्रूट ईटर्स या फिर जिसको हम क्या कहते हैं फ्रूगी वोरस कहते हैं ये यहां पर अपने स्पेक्टिकुलर बाई ब्रेकिएशन के लिए जाने जाते हैं यानी कि बहुत ही लाइट वेट है बहुत हल्के वेट के स्मॉल इन साइज है है ना इवन सियामंग जिसको आप लार्ज कह रहे हो पर ये लार्ज जो है वो कंपैरिजन टू तो गिवन हम बात कर रहे हैं ऐसा नहीं कि वो गोरिल्ला या फिर चिंपैंजी ज़ोरंगुटान की तरह लार्ज है है ना तो ड्यू टू तो दीस फीचर्स एंड अ वेरी लॉन्ग आर्म जो आर्म्स इनके काफी लॉन्ग हैं ठीक है थीके? इसके कारण ये बहुत ही फैबुलस ब्रेकीएटर्स होते हैं एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे फटाफट -खट मूव करते हैं है ना तो आपने भी हो सकता है किसी मूवीज में देखा होगा तो विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग आर्म्स दे आर ब्रेकीटिंग Quite easily. अब family, अगर हम इनके ग्रुपिंग की बात करते हैं तो ये स्मॉल फैमिली आपको रहते हुए आपको देखने को मिलता है यानी कि यहाँ पर जो एक एडल्ट है वो यूजली मोनोगेमस होते हैं थ्रू आउट द लाइफ देव टूगेदर लिव दिट टूगेदर का मतलब है दे डू नॉट गेट इन टूर कोडशिप मीटिंग विद अदर मेंबर्स ठीक है और इनके साथ साथ जो एडल्ट पेयर है उसके साथ साथ यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग है वो भी रहेगी पर एक खास बात ये है इनके बिहेवियर में कि जैसे ही वो ऑफस्प्रिंग स्प्रिंग अडल्ट रीच करती है दे विल कास्ट देम ऑफ उनको भगा देते हैं बेटा निकल लो है ना काम हो गया आपका बड़े हो गए हो अब खुद जा करके रहो तो ये चीज आपको फिनोमना इनके बीच में क्वाइट रिमार्केबली देखने को मिल रहा होता है तो दे आर ड्रिवन अवे फ्रॉम द होम बाय द एडल्ट मेंबर्स बाय द पेरेंट्स दूसरी चीज आपको आप हो सकता है आपको यूएस का एग्जांपल यहां पर याद आ गया होगा ठीक है दूसरी अगर हम बात करते हैं तो लेस सेक्सुअली डायमोर्फिक है है या ना यानी कि अगर आप देखते हो कि जो डायमोर्फिज्म है इनके बीच में वो काफी ज्यादा कम है पर ये बहुत ही ज्यादा टेरिटोरियल होते हैं यानी क्षेत्रवादी होते हैं जो इनका रीजन है उसमें किसी और को आने देना नहीं चाहते हैं। ठीक है और ये इसको दिखाते कैसे हैं कैसे बताएं कि हमारा रीजन है यूजुअली उस रीजन के अराउंड ब्रेकिएट करेंगे जो एक मान लीजिए एक रीजन है एक जंगल का एक रीजन है साउथ ईस्ट एशिया में जहां पर आपको देखने को मिल रहा है अराउंड एट्टी टू नाइनटी ट्रीज हैं है ना एक एफिनिटी के अंदर में तो वहां पर ब्रेकिएट करते करते जाएंगे और ये सिंग करते हैं है ना दे आर सिंगिंग एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो अगर कोई घुस आता है उनके टेरिटरी में तो उसको चेस करके भगाते हैं चलो ऐसा निकल लो हमारे एरिया है. तो इस तरीके से अपनी क्षेत्रवादी एक पहचान को इन्होंने स्टैब्लिश किया हुआ है नेक्स्ट मेंबर जो कि ग्रेटर एप के अंदर में अपार्ट फ्रॉम गिब्बंस एंड श्यामंगस बाकी सारे मेंबर्स यहां पर ग्रेटर एप्स कहलाते हैं जिसके अंदर में आपका ओरैंगोटैन आता है गुर्ला आता है और चिमपैनजीज आते हैं ठीक है ओरैंग की अगर आप बात करते हो तो ये भी आपको बोर्नियो और सुमात्रा के रीजन में देखने को मिलते हैं इनफैक्ट ओनली ग्रेट एब्स इन दिस एशिया है ना या फिर साउथ एशिया की अगर आप बात करते हो साउथ ईस्ट एशिया की बात करते हो तो वहां पे इकलौते पाए जाने वाले ग्रेट एप्स ही आपको देखने को मिलते हैं ओरेंगो है ना दे आर हाईली सेक्शुअली डायमॉर्फिक सेक्शुअल डायमोरफिज्म होता क्या है यानी कि मेल एंड फीमेल ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज के अंदर में एक डिसप्रोपोर्शनेट डिफरेंस यानी मेल फिफ्टी के है तो फीमेल सॉरी मेल फिफ्टी है तो मान लीजिए ठीक है फीमेल हंड्रेड के है है ना या फिर फीमेल हंड्रेड के है तो मेल टू या टू हंड्रेड का है

और राइट right. इसके बाद हम गोरिल्लास के ऊपर आ जाते हैं गोलिल्लास चिम्पाजी तो आपने देखा भी होगा कई बार है ना और ओरेंगोटैन शायद उतना आपने नहीं देखा होगा मूवीज़ को छोड़ करके आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग क्रिश मूवी में एक ग्रेट एप है जहाँ तक मुझे याद है ओरेंगोटैन है ना बहुत समय हो गया है ऋतिक रोशन की जो मूवी थी क्रिश उसमें शायद एक बार आप देखिएगा आई थिंक इट्स ओरेंगोटैन और राइट right? या फिर किसी न किसी मूवी में तो मैंने देखा है तो एक बार आप जरूर देखिए चलिए और कमेंट सेक्शन में आप मुझे कंफर्म करके बताइए सही में, में आपको देखने को ऑफ हैंगो हो गया है ना डीआरसी वाला युगांडा हो गया रवांडा हो गया है ना इन सारे रीजन में आपको देखने को मिलते हैं एंड अनलाइक द अदर एप्स इनके बीच में आपको एक टेंडेंसी देखने को मिलती है कि फ्रूट कभी कभी खाते हैं रेयरली

एप्स के रूप में यहाँ पर देखे जाते हैं जितने भी अभी जिंदा हैं एप्स हमारे बीच में लिविंग एप्स उनमें सबसे अधिक मेल्स यहाँ पर 450 पाउंड तक जा सकते हैं और फीमेल्स यहाँ पर दिया नहीं हुआ है पर मैं लिख देता हूँ फीमेल्स ऑन एन एवरेज 220 टू 250 के आसपास का है ना पाउंड्स का वेट यहाँ पर कैरी कर रही होती है लोकोमोशन पैटर्न की अगर आप बात करो तो नकल वॉकिंग इनके बीच में क्वाइट पॉपुलर है नकल्स होते हैं ना आप नकल फाइटिंग देखते हो खासकर बॉयज ने डेफिनेटली देखा होगा इफ द गर्ल्स आर इफर्सो इंटरेस्टेड दे मस्ट हैव सीन इट जो बॉयज या गर्ल्स में जो भी नहीं जानते वो एक बार गूगल करके देख सकते हैं तो नकल वॉकिंग इनके बीच में इवन चिमपैनजीज के बीच में क्वाइट कॉमन है पर गोरिल्लाज उसको काफी ज्यादा यूज कर रहे होते हैं नकल्स के ऊपर ये चल रहे होते हैं ठीक है एंड गोरिल्लाज ऑल्सो टेन टू लिव इन द ग्रुप विच बेसिकली कंसिस्ट ऑफ अ डोमिनेंट मेल इनका भी एक ग्रुप होता है जस्ट लाइक ओरैंग गोटैन का था और इस ग्रुप के अंदर में सॉरी ओरेंगोन में नहीं गिबंस में है ना तो उसी तरीके से ग्रुप में रहते हैं और इस ग्रुप में एक डोमिनेंट मेंबर होता है जो लीड करता है पूरे पैक को और उसको हम क्या कहते हैं उसको स्पेसिफिकली आप सिल्वर बैक बोलते होनाबर हुडिंग द द लीडिंग ग्रुप ऑफ गोरिल्लाज उसको हम सिल्वर बैक कहते हैं चिंपैनजीज यहाँ पे थोड़ा सा डल हो गया ना आई थिंक क्लियरली आपको दिख नहीं रहा होगा थोड़ा सा छोटा रह गया आई मस्ट हैव इट लाइक वी इन द केस ऑफ एंड गुरिलाजैन नेवर माइंड चिमपेजी की आप बात करते हो तो दे आर ऑलसो लिविंग इन द फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ अफ्रीका स्पेसिफिकली वेस्ट से ईस्ट तक जो गिनी कोस्ट वाला एरिया है इस जगह से लेकर के आपको तंजानिया ईस्ट अफ्रीका में जहाँ से कई फॉसल्स हमें मिले हैं कई इंपॉर्टेंट आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं वहां तक ही आपको आसानी से देखने को मिल जाते हैं इनके अंदर में भी दो डिस्टिंग स्पीशीज़ हैं है ना जैसे हमने बात की थी जब एप्स की तो वहां पर क्या आपको देखने को मिलता है दो इंडिविजुअल्स थे पैन कहते हैं तो एक मेंबर जो है उसको कॉमन चिंपैनजी कहते हो आप और दूसरा जो है उसको आप बोनोबो कहते हो और राइट क्या कहते हो आप बोनोबो कहते हो है ना बोनोबो के साथ साथ इसको पिग्मी चिंपैनजिस भी कहते हैं और इसका जो Uh, अगर साइंटिफिक वर्ल्ड की आप बात करो तो पेन pen, पेनेसकस को बोला जाता है ठीक है तो ये दो फॉर्म्स में आपको देखने को मिल जाता है बोनोजोस जो होते हैं वो थोड़े स्लेंडर हैं लॉन्गर आपको देखने को मिल जाते हैं इनके लिम्स वगैरह जो हैं डिजिट्स वगैरह जो हैं कंपैरेटिवली लॉन्गर देखने को मिलते हैं एंड फेसेस जो हैं आपको थोड़े से डार्कर विथ स्मॉल हेड्स देखने को मिलते हैं ठीक है डार्कर फेसेज विथ स्मॉल आपको हेड यहाँ पर आसानी से देखने को मिल जाएगा ये भी प्राइमरली क्या होते हैं फ्रूगी वोरस होते हैं फ्रूट को ईट करते हैं बट चिंपैनजीज के अभी हम स्पेशल केस की बात करेंगे है ना फ्रूगी वोरस तो मोस्टली दोनों हैं पर एक चीज चिम्पैंजी के बारे में काफी खास उसके भी हम बात करेंगे आरबोरियल भी है टेरेस्ट्रियल भी है दोनों के दोनों पेड़ के ऊपर भी है जमीन के ऊपर भी है हमने बात किया कि नकल वॉकिंग करते हैं तो जमीन पे जब आते हैं नकल वॉकिंग करते हैं ठीक है तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी एक एक इंपॉर्टेंट चीज है इनके लोकोमोशन के बारे में कि फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड थोड़ी दूरी के लिए ये दे कैन स्टैंड इरेक्ट एंड वॉक अपराइट है ना सीधे खड़े होकर के थोड़ी दूर तक चल सकते हैं ऐसा यूजुअली ये तब करते हैं जब ये टॉल ग्रासेस के बीच में चल रहे हैं ताकि ये प्रीडेटर्स को देख सकें या फिर दूर पे कोई अगर मौजूद है दूर की चीज देखनी इनको तो उस ग्रासेस के ऊपर से चीजों को देख सके तो इरेक्ट होके भी थोड़ी दूर तक चल सकते हैं इनके बीच में सेक्सुअल डायमोरफिज अदर ग्रेट एप के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कम आपको देखने को मिलता है जस्ट लाइक ओरैंग गुटैन में 1.8 से टू एक्स तक का आपको देखने को मिल जाता है ठीक है एक कुछ स्टडीज़ हुई हैं प्राइमरली गोम्बे नेशनल पार्क जो तंजानिया में है ईस्ट अफ्रीका में उसमें और उसको छोड़कर भी कई जगहों पर स्टडीज़ हुई हैं उसने दिखाया है कि अपार्ट फ्रॉम बींग फ्रूगी वोरस फ्रूट को तो खाते ही हैं इंसेक्ट को भी खाते हैं कई जगहों पर इसके साथ साथ ये हंटिंग भी करते हैं अदर एनिमल्स को भी मारते हैं किल करते हैं और उसको वहाँ पर खा रहे होते हैं ठीक है और यूजली हंटिंग वाला पार्ट मेल्स इनके ग्रुप में कर रहे होते हैं तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर दैट इज शेयर्ड बाय ऑल द मेंबर्स एंड विद दिस वी कम टू कंक्लूजन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो एज प्रॉमिस्ड यहां पर एक घंटे से ऊपर नहीं गया आपका ये वाला पार्ट भी एंड टू रिमाइंड यू वंस अगेन है ना इट्स अराउंड वन आई थिंक एक घंटा में लगा होगा प्लस माइनस वन टू मिनट्स होंगे अभी और uh, एक बार वापस आपको याद दिला दूँ कि डिटेल में एग्जाम स्पेसिफिक में अगर आपको चीज़ें पढ़नी है जाननी है तो आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म पे सबसे अफोर्डेबल प्राइजेज में हर एक चीज़ के साथ जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी वैल्यू एडिशन मटीरियल फॉर अपडेटेड पोर्शन uh, अपार्ट फ्रॉम द वैल्यू एडिशन मटीरियल जो आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है नोट्स मिल रहे हैं ये सारी चीज़ आपको एक साथ एक जादुई कोड ना, लगाने के बाद मिल जाती है फिफ्टीन ट्रिपल नाइन में दैट मैजिकल कोड इज यूएस लाइव जिसको हम और आप बेसिकली अस लाइव कहते हैं इंस्टेड ऑफ सेइंग यूएस लाइव So uh, तो ज्वाइन कर सकते हो अगर आप फ्यूचर में कभी इस को देख रहे हो तो डेफिटली यू कैन विजिट दी स्टडी आईक्यू वेबसाइट और टाइप स्टडी आईक्यू एंथोपलॉजी ऑप्शन आपको सकता है किसी नए बैच जो अपकमिंग बैच होगा उसमें आप एनरोलमेंट कर सकते हो दिसंबर से स्टार्ट होने वाले स्टडी आईक्यू एंथोपोलॉजी ऑप्शनल के बैचेस मंथ एंड सेल के अंतर्गत के तहत आपको मिलने वाले हैं जस्ट थर्टीन ट्रिपल नाइन में एन

और उससे पहले आपको एनरोलमेंट को इंश्योर करना है जब आप यूएस लाइव कोड इस्तेमाल करते हो तो आपको दोनों चीजें एक साथ मिल जाती है सबसे पहला तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और साथ ही साथ आपको पर्सनलाइज एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन की गाइडेंस थ्रो सोशल मीडिया हैंडल्स भी मिल जाती है अगर आपको फ्री नोट्स को एक्सेस करना है पीडीएफ मटेरियल जो होता है इन सबको एक्सेस करना है तो आप एंथ्रोपोलॉजी रिकॉर्डेड बाय उत्कर्ष सिंह टेलीग्राम पे सर्च करके इसमें ऐड हो सकते हो एनरोल कर सकते हो सारी अपडेट्स मटेरियल यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं